नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आप देख रहे हैं ड्राइव सेंस। हमेशा ही आपके लिए ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं। दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है जो नए ड्राइवर्स होते हैं वो टर्निंग के टाइम पे काफ़ी घबराहट हो जाती है। उन्हें टर्निंग लेते समय या तो उनसे गाड़ी बंद हो जाती है, फिर कंट्रोल से बाहर हो जाती है, या फिर झटका मारती है। अब ये होता क्यों है दोस्तों? सबसे मेन चीज़ है ऐसा होने की आपका डर, आपकी घबराहट। घबराहट भी रीज़न से होती है दोस्तों, घबराहट भी इसीलिए होती है क्योंकि सारी चीज़ें हमें एक साथ करना पड़ती है। हमें क्लच भी कंट्रोल करना है, ब्रेक भी लगाना है, गियर भी चेंज करना है और स्टेयरिंग पर भी ध्यान देना है, और साथ में सामने कोई तो नहीं है उस पर भी ध्यान देना है। ऐसे में दोस्तों हमें घबराहट होती ही होती है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। जो नए ड्राइवर्स है आपके अलावा दूसरे भी हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम होती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो दोस्तों आज के वीडियो में इसका मैं सोल्यूशन लाया हूँ। एक चार स्टेप लेकर के आया हूँ जिनको आप फॉलो करोगे तो आपका डर भी दूर होगा और आसानी से आप गाड़ी टर्न भी कर पाओगे, और अगर ब्रेकर है तो ब्रेकर से भी आप आराम से क्रॉस कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों चार स्टेप में बता देता हूँ, सिंपल सी है, गाड़ी के अंदर चलते हैं और उसको आप याद कर लें। याद करने के बाद बहुत ही आसान होगा आपके लिए गाड़ी को टर्न कराना। तो चलिए हम गाड़ी के अंदर चलते हैं और सारी कंट्रोलिंग देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और मान लीजिए आप 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप चल रहे हो, तो ऐसे में दोस्तों सामने कोई टर्न आ जाता है तो आपको मैंने चार स्टेप बता रहा हूँ, उस चार स्टेप को आप फॉलो करोगे तो बहुत ही आसानी से आप टर्न ले पाओगे, गाड़ी आपकी कंट्रोल से बाहर भी नहीं होगी और आप आसानी से टर्न कर पाओगे। मान लीजिए आप 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप चल रहे हो और सामने टर्न आ जाता है, एक्सीलेटर पे पैर रखा हुआ है, आप प्रेस कर रहे हो, आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है। अब आपको सामने टर्न लेना है, लेफ्ट में हो या फिर राइट में हो। इंडिकेटर देने के बाद सबसे पहला स्टेप होता है आपका ब्रेक लगाने का। आप ब्रेक लगाएंगे और इतनी स्मूथ तरीके से ब्रेक लगाएंगे कि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपकी गाड़ी उस पॉइंट पर जहाँ पे टर्न है वहाँ पे आपकी गाड़ी कम से कम 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर आ जाए। पहली स्टेप क्यों हुई, आपने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के बाद जब गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ जाए उसके बाद आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना है। दूसरा स्टेप होता है क्लच प्रेस करने का। आपने क्लच प्रेस करा, आपको ब्रेक छोड़ देना है। आपने क्लच प्रेस करा, क्लच प्रेस करने के बाद तीसरा स्टेप दोस्तों होता है आपका गियर। अब जैसे आप मान लीजिए थर्ड गियर में या फोर्थ गियर में हो तो तीसरी स्टेप में आपको गियर लाना है सेकंड गियर पे, ठीक है। ये होगी तीसरी स्टेप। और चौथी स्टेप में दोस्तों आपको जो अपना स्टेयरिंग है उसको टर्न लेना है लेफ्ट में या फिर राइट में। अब आपको वहां पे देखना होगा कि आपकी गाड़ी टर्निंग के टाइम पे आपका जो ये डोर है, मतलब जो सेकंड पिलर होता है, बी पिलर होता है, ये आधा क्रॉस हो जाना चाहिए टर्निंग पे। टर्न करने के बाद गाड़ी जितनी देर में आपकी गाड़ी टर्न हो जाए उसके बाद आप स्टेयरिंग वापस सीधा कर लें, क्लच से पैर हटा लें और एक्सीलेटर देकर के गाड़ी आगे बढ़ाएं और स्पीड के हिसाब से गियर चेंज करके आप आगे निकल सकते हैं। तो ये चार स्टेप होती है दोस्तों जिसको आपको फॉलो करना होता है टर्निंग के टाइम पे। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।